हरियाणा में हुआ बड़ा रेल हादसा और इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे यह हादसा कैसे हुआ, कब हुआ और कहां हुआ। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। उससे पहले चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हरियाणा में एक बड़ा रेलवे हादसा हुआ है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला में रेवाड़ी नार नौल रेल मार्ग पर शुक्रवार को दोपहर में मिर्जापुर बाछौद के पास मालगाड़ी पलट गई, जिसके कारण रेल मार्ग बाधित हो गया। वहीं मालगाड़ी के पटरी से उतरने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल रेलवे के अधिकारी और टेक्नीशियन रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने में जुटे थे। वहीं रेलवे द्वारा घटना की जांच की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पटरी भी टूटी हुई है, लेकिन हादसा किस कारण हुआ यह पता नहीं चल पाया। यह मालगाड़ी रेवाड़ी से फुलेरा के बीच जा रही थी और भीलवाड़ा के पास ट्रैक से उतरकर यह मालगाड़ी पलट गई। मालगाड़ी में 90 कंटेनर थे। हादसे में करीब 50 नीचे गिर गए और रेल पटरी की क्षतिग्रस्त पहुंच गई। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की टीम जुट गई। मालगाड़ी पुराने रेलवे ट्रैक से आ रही थी और इस ट्रैक पर यात्री ट्रेनों का भी आवागमन होता था। ऐसे में रेल प्रशासन रेल लाइन को बहाल करने में जुटा था। इस ट्रेन का इसी कारण रूट बदल दिया गया था। मालगाड़ी पलटने के कारण आने वाली चेतक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का रूट बदल गया उसी दिन और अब चेतक एक्सप्रेस रेवाड़ी से अलवर जयपुर होते हुए फुलेरा जाएगी। बता दें कि रेवाड़ी रिंगस रेलखंड पर यातायात का आमान परिवर्तन फिर से चालू हो गया। वहीं रेलगाड़ी के डिब्बे को हटा दिया गया है क्रेन की मदद से और सुचारू रूप से सभी ट्रेनों को इस रूट से चलाया जा रहा है। यह खबर शुक्रवार की है, जो कि आपको हम अपडेट कर दिए कि यह हादसा कैसे हुआ, क्योंकि आपने हमें कमेंट बॉक्स में पूछा कि हरियाणा में जो हादसा हुआ उस पर क्या जानकारी आई है, जिस पर आज का हमारा खास वीडियो था। इस वीडियो को करें शेयर, साथ ही चैनल को करें सब्सक्राइब।